नमस्कार दोस्तों, वाईफाई ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का स्कोर कार्ड आपको कैसे चेक करना है, इसके बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे। क्योंकि हमारे अधिकारी वेबसाइट पर आज आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का स्कोर कार्ड आ चुका है और बहुत से बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि इसका स्कोर कार्ड कैसे चेक करें। तो अगर आप भी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का स्कोर कार्ड डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो चलिए, इस वीडियो में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट आपको चेक करने का पूरा तरीका बता देता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आगे जो भी ऐसे ही खबर की जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए करेगी। दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले मेरे वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट आईबीपीएस की ऑफिशियल साइट से आ जाएंगे। और दोस्तों, जैसे ही आप इस साइट पे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का स्कोर कार्ड। और सिंपली आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 सितंबर 2022 को ये सारा अपडेट आया है। और दोस्तों, सिंपली आपको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये जो पहला लिंक दिया हुआ है इसी पर क्लिक करना है। और दोस्तों, जैसे ही आप पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि रोल नंबर डालना होगा और दूसरे कॉलम में आपको अपना पासवर्ड के तौर पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। और दोस्तों, जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इसका सर्वर इतना बिजी चल रहा है कि बहुत से बच्चे अपना कैप्चा कोड नहीं देख पा रहे हैं, तो आप बार बार ट्राई करके अपना कैप्चा कोड लेकर आइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्वर बिजी होने के कारण इसका कैप्चा कोड शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप ट्राई करिएगा, एक दो बार के बाद में आपको यह कैप्चा कोड शो होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों, क्या करना है, आपको सिंपली यहां पर जो लॉगिन का ऑप्शन है, आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद जो आपका आईबीपीएस का यानी कि आरआरबी का जो क्लर्क का स्कोर कार्ड है वो आपको पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाएगा और आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपके मन में जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क स्कोर कार्ड से संबंधित कोई भी सवाल या जवाब है तो वो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।